बच्चों ये है हमारा लेक्चर 244 और हम कर रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स में आपका चैप्टर टू कंटिन्यू जिसका नाम है पीपल एज रिसोर्स इस चैप्टर का एक पार्ट हमने कर लिया था हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख ली थी हम थे अब पेज नंबर ट्वेंटी के अंदर सो so हम पढ़ रहे थे कि भाई आ, क्या क्या चीजें लोगों को एक रिसोर्स बनाती हैं क्या कंडीशंस होती हैं सो so हम आए थे एजुकेशन टॉपिक पे पेज नंबर ट्वेंटी लेक्चर है हमारा टू फोर्टी फोर सो हमने जब ये चैप्टर डिस्कस करा था पिछले लेक्चर में सो वी डिस्कस्ड टू कैरेक्टर्स जो हमने दो के स्टडीज पढ़ी थी दो फ्रेंड्स थे सो so, उसमें से एक फ्रेंड बहुत पढ़ लिख गया अब अच्छा आदमी बड़ा आदमी बना एंड दूसरा फ्रेंड वहीं रह गया उसी गांव में और मतलब उसकी लाइफ में वैसा ही रहा सो डिस्कसिंग इट फर्दर अभी एजुकेशन डिस्कस करते हैं उनकी सकल्स एजुकेशन इन द इनिशियल इयर्स ऑफ द लाइफ बोर हिम द फ्रूट्स इन द लेटर इयर्स इन टर्म्स ऑफ गुड जॉब एंड सैलरी सो अब जो शुरुआती एजुकेशन ली थी सकल के पेरेंट्स ने जो उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करा था उसके फादर ने लोन लेके भी उसे पढ़ाया था सो so, जो उसने शुरुआती अपने अपनी लाइफ के शुरुआती सालों में जो उसने एजुकेशन ली थी वो उसको आगे जाके उसको उसका फल मिला कैसे उसको फल मिला उस एजुकेशन का उसको अच्छी जॉब मिली और अच्छी सैलरी मिली अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं और आपको ऐसा बोला जाता है कि तुझे मेरा बिजनेस ही तो संभालना है तो भले आपको फादर का बिजनेस भी संभालना हो पर आप में वो बिजनेस सेंस भी होनी चाहिए आप कहोगे कि पापा कम पढ़े लिखे थे तो पापा तो अच्छा करते हैं बिजनेस में ऐसा नहीं होता है आप एजुकेशन देखो कभी भी खाली नहीं जाती है कभी भी आप देखो शायद आपके फादर सपोज भगवान ना करे आपके फादर का बिजनेस आपने टेक ओवर किया आपने लिया आपने फादर का बिजनेस फादर ने आपको हैंड ओवर किया आपने पढ़ा नहीं कि ठीक है पापा का बिजनेस है ना करे भगवान की बिजनेस फ्लॉप हो गया मतलब अच्छा खासा चल रहा था पर आपने जब लिया तो कंडीशंस खराब आ गई कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज खराब हो गई या बहुत बहुत भारी नुकसान हुआ और बिजनेस बंद करना पड़ा और बहुत भारी नुकसान के साथ बंद करना पड़ा अब बिजनेस बंद हो गया आप तो फादर के बिजनेस पे थे बिजनेस तो हो गया बंद अब एजुकेशन यहां काम आएगी मतलब आपने अगर डिग्रीज ली होंगी भले आपको आप सोच रहे हो इस डिग्री का मेरे बिजनेस में क्या काम मेरे फादर से तो सीधा सीधा मिलना है पर ये जो एप्लीकेशन है एजुकेशन की जो एजुकेशन का यूज है ना वो कहाँ आपको लाइफ में कहाँ काम आएगा वो आपको भी नहीं पता है सो सपोज बिजनेस बंद हो गया तो अब आपको उसी एजुकेशन के सहारे आपको कोई नौकरी मिल पाएगी ठीक है मतलब आप खाली नहीं बैठोगे सो so, uh, अगर सपोज बिजनेस बहुत अच्छा चला तो आप और अच्छा कर पाओगे उस बिजनेस में अपनी एजुकेशन का ही यूज करके एजुकेशन कभी खाली नहीं जाती सो so, वैसा ही सक्कल के केस में हुआ सक्कल के पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था मतलब अपनी वो गरीब थे तो भी इन्वेस्ट हुआ था मतलब गरीब मतलब ठीक ठाक घर के थे तो भी इन्वेस्टमेंट किया और वो बड़ा होकर उसको अच्छी जॉब अच्छी सैलरी मिली तो अगर आप देखो तो एजुकेशन ने सकल की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो मतलब उसके साथ जो बाकी के गांव के बच्चे थे शायद उनकी लाइफ उतनी बेटर नहीं हो पाई सकल की हो गई क्यों क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया इट ओपन न्यू हॉराइजन फॉर हिम उसके लिए नए दरवाजे खुले प्रोवाइडेड न्यू एस्पिरेशंस उसके लिए नए सपने तैयार हुए उसको पता लगा जिंदगी की वैल्यूज क्या हैं ठीक है थीके? हम पढ़ते हैं हमें लाइफ के बारे में और ज्यादा पता लगता है लाइफ की वैल्यूज और पता लगती हैं नॉट ओनली फॉर सकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट सो पेज नंबर ट्वेंटी वन एजुकेशन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो तो खाली सकल सकल का ही भला नहीं हुआ सोसाइटी का भी भला हुआ अगर सकल एजुकेट हुआ इससे हमारी नेशनल इनकम बढ़ी क्योंकि एक जना लगा भाई सक्कल जो है सक्कल अभी कम आ रहा है तो वो नेशनल इकोनॉमी में ऐड हो रही है सो इट एनहसेज टूवर्ड्स नेशनल इनकम कल्चरल रिचनेस ऑब्वियसली उसके कल्चर को भी इन्हांसमेंट मिली और उसकी एंड इंक्रीजिज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस सो जो हमारी गवर्नमेंटल uh, पावर है उसकी भी इफिशियंसी बढ़ी सो so, अगर कोई एजुकेट होता है तो सोसाइटी का बहुत ज़्यादा भला होता है उसमें सोसाइटी को एक नया जना मिलता है काम करने के लिए नेशनल इनकम में बढ़ावा मिलता है हमारी सभ्यता आगे बढ़ती है हमारी स्पीड बढ़ती है काम करने की क्योंकि ऐसे अच्छे अच्छे लोग लगते जाते हैं सो so, बहुत ही खुद का भी भला होता है हमारी नेशनल इकोनॉमी का भी भला होता है so uh, this there is a provision made for providing universal access retention and quality in elementary education with a special emphasis on girls so ek hum, humne ek samvidhan banaya hai provision banaya hai जिसमें हमको मतलब universal access मतलब कहीं पे भी कौन से भी गांव में किसी भी कस्बे में retention and quality हमें uh, ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करने रिटेंट retent, रिटेंशन uh, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा जाद से ज्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करना है क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन गर्ल्स सो लोगों मतलब स्पेशली लड़कियों को हमें एजुकेट करना है ठीक है मतलब फ्री एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन देनी है सो so, यहाँ ये यह हमने हमारी सरकार ये कर रही है वो आपने सुना होगा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत या बेटी पढ़ाओ अभियान तो so इन सब के अंतर्गत लड़कियों की एजुकेशन पे स्पेशल इम्फेसिस दिया जा रहा है देयर इज ऑल्सो एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट इन ईच डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट में हर जिले में नवोदय विद्यालय करके स्कूल्स खोले हैं जो कि गवर्नमेंट रन करती है फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम दामों पे वोकेशनल स्ट्रीम्स हैव बीन डेवलप्ड इक्विप लार्ज नंबर ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स विद ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू नॉलेज एंड स्किल्स और वोकेशनल स्ट्रीम्स मतलब ऐसे हैं जो अदर कोर्सेज भी चालू किए गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी नॉलेज और अपनी स्किल के बलबूते पे ये कोर्सेज ज्वाइन कर पाए सो नॉलेज और स्किल्स मतलब बच्चों की नॉलेज और स्किल रिलेटेड नए नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं ताकि वो कभी भी कोई काम करे उसमें काम आए द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज फ्रॉम सो नए नए वोकेशनल स्ट्रीम्स बच्चों के लिए करे जा रहे हैं स्टार्ट ताकि बच्चे नॉलेज और स्किल वाले काम करें द प्लान आउटले ऑन एजुकेशन हैज फ्रॉम करोड़ इन द फर्स्ट प्लान टू रूपीज थ्री सेवन सिक्स सिक्स पॉइंट नाइनटी करोड़ इन द इलेवेंथ प्लान प्लान आउटले ऑन एजुकेशन है फर्स्ट प्लान सो एजुकेशन का जो प्लान है वो वन फिफ्टी वन करोड़ से थ्री थाउजेंड सेवन हंड्रेड सिक्सटी सिक्स पॉइंट नाइन्टी करोड़ तक इंक्रीज हुआ है ठीक है पहले जहां पे सिर्फ एजुकेशन पे सरकार एक सौ इक्यावन करोड़ खर्चा करती थी अब आते आते अब सरकार तीन हजार सात सौ अब थाउजेंड्स में खर्चा करती है करोड़ थाउजेंड ऑफ करोड़ में खर्चा होता है एजुकेशन पे द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एज अ परसेंटेज ऑफ जीटीपी रोज़ फ्रॉम जीरो पॉइंट सिक्स परसेंट इन नाइनटीन फिफ्टी टू थ्री परसेंट सो एजुकेशन पे खर्चा भी बढ़ता गया है मतलब पहले जो हम जीरो पॉइंट सिक्स फोर परसेंट खर्चा करते थे नाइनटीन फिफ्टी वन में एजुकेशन पे आज वो बढ़ के हमने थ्री परसेंट कर रहे हैं मतलब सर ये बोलने का मतलब ये है कि जो सरकार है सरकार कोशिश कर रही है कि वो एजुकेशन को डेवलप कर पाए मतलब एजुकेशन के फील्ड में सरकार भी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बच्चियों को एजुकेशन पहुंचा पाए सो so, यहाँ पे ब्लू बॉक्स लिखा हुआ है ये 1986 में हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी आपको पता है 2000 हमारा जो ये ईयर चल रहा है 2021 हमारी एजुकेशन पॉलिसी बदलने वाली है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इससे पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी 1986 में बदली थी और वो अभी तक चलती आ रही तो क्या थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसमें से एक लिखा हुआ है

जो हमारा इंसान है ह्यूमन बींग इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ह्यूमन बींग एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट है मतलब वो एक पॉजिटिव धन है जो हमें नेचर ने दिया है सो पॉजिटिव एसेट है एंड अ प्रेशियस नेशनल रिसोर्स है किसी भी देश का एक रिसोर्स है जिसे संभाल के रखना है जिसे हमें ग्रो करना है नर्चर करना है उसमें उसको सारी चीजें प्रोवाइड करनी है ईच इंडिविजुअल्स ग्रोथ प्रेजेंट्स अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट्स तो हर किसी की ग्रोथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स आती हैं सो so, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एजुकेशन है वो एज अ कैटालिस्ट काम करेगा मददगार साबित होगा और बहुत ही सेंसिटिविटी हमें मतलब एजुकेशन ही निकालेगा बाहर। सो दिस इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। इसमें दिखाया गया है कि भाई एजुकेशन का क्या रोल हो, हो, हो सकता है हमारे ह्यूमन लाइफ में सो so, ये एक भाषण टाइप होगा तो उसमें ये बोला गया होगा अच्छा यहाँ पे इसी पेज के अंदर यहाँ एक आपको ग्राफ भी दिया गया है सो so, ये ग्राफ दिखा रहा है लिटरेसी रेट्स इन इंडिया सो इंडिया का लिटरेसी रेट देख सकते हो सोर्स है 2015 थाउजेंड फिफ्टीन टू यहां देखो पर्सन मेल फीमेल सो मेल पिंक है मेल को पिंक कलर से दिखाया गया है सो so, मेल देखो यहाँ पे मेल का जहां यहाँ आई थिंक 28 है तो फीमेल का ओनली यहां 8 है मेल का जहां यहां 40 है फीमेल का यहां 15 है ये so, पूरे में आप देख सकते हो यहाँ देखो शुरुआत थी, जब शुरुआत थी 1951 था एजुकेशन में मेल देखो ज्यादा एजुकेट हो रहे थे फीमेल कम हो रही थी धीरे धीरे देखो अब जो वुमन है वो एजुकेट होती जा रही है ठीक है अभी भी देखो डिफरेंस है 2011 की बात है ये तो जहाँ जहाँ मेल यहाँ 2011 इलेवन में जहां एट्टी टू परसेंट एजुकेट हो रहा है वहां फीमेल एजुकेट हो रही है सिक्सटी फाइव की सो so, इस तरह से ये एजुकेशन का रेट है पेज ट्वेंटी वन पे हमने एक बात कही अभी अभी कि भाई जो हमारा एक्सपेंस था एजुकेशन पे जीडी जीडीपी के परसेंटेज जीरो पॉइंट सिक्स फोर परसेंट से थ्री परसेंट ग्रो हुआ था टू थाउजेंड फिफ्टीन टू थाउजेंड सिक्सटीन में ये पेज ट्वेंटी वन है पेज ट्वेंटी टू एंड हैज रिमेंड स्टेग्नेंट अराउंड थ्री परसेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स पर ये ग्रो ये जो परसेंटेज है वो स्टेगनेंट रहा है मतलब बड़ा ही नहीं है थ्री परसेंट पे ही अटक गया है ठीक है एंड हैज रिमेंड स्टेगनेंट अराउंड थ्री परसेंट फ्रॉम पास्ट फ्यू ईयर्स

लिटरेसी इज नॉट ओनली अ राइट इट इज ऑल्सो नीडेड इफ दिटीजन आर टू परफॉर्म देअर ड्यूटीज एंड एंजॉयर राइट प्रॉपर्जुकेट होना लिटरेसी मतलब एजुकेशन सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं है ये एजुकेशन इट इज ऑल्सो नीडेड इफ दिटीजन्स आर टू एंड एंजॉय दर राइट प्रॉपर्ली हमें एजुकेशन से जो हमारे नेशन के प्रति ड्यूटीज है उसे भी निभाना है और हम एजुकेशन का यूज करके हम जो है हमारी राइट्स का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं आप देखेंगे जो अनएजुकेटेड या इलिटरेट लोग होते हैं उन्हें पता ही नहीं है हमारी राइट्स क्या हैं उनके साथ कुछ बुरा हो रहा होता है जैसे गांव वगैरह होते हैं सो उनके साथ अगर बुरा हो रहा होता है वो सहन करते हैं सो क्यों क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है हमारी राइट्स क्या हैं वैसा क्यों क्योंकि वो एजुकेटेड ही नहीं है जैसे अब आप एजुकेटेड हो अब आपको पता है ये सारी मेरी राइट्स हैं आपने स्टैंडर्ड एट्थ में पढ़ा नाइन्थ में सेवंथ में पढ़ा तो एजुकेशन का ये तो फायदा है कि आपको कोई एक्सप्लोय नहीं कर पाएगा आपका कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है खुद आप पढ़ रहे हो देखो मैं अभी भी यही पढ़ा रही हूँ इससे पहले वाला चैप्टर हमारे सिविक्स में एक पूरा राइट्स वाला ही था So, आपको इतना तो पता है आपको ये सब अधिकार हैं सपोज अब आपको कोई आपके स्किन कलर के ऊपर परेशान कर रहा है या आपकी कास्ट के ऊपर परेशान कर रहा है तो आपको पता है आपको सहन नहीं करना है क्यों क्योंकि राइट right है आपके पास कि भाई आपके साथ ऐसा ना हो ठीक है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है कि मेरा जो है शोषण ना हो सो so, लिट uh, हाउ एवर अ वास्ट डिफरेंस अक्रॉस डिफरेंट सेक्शन ऑफ लिटरेसी अमेल्स इज नियरली सो भले लिटरेसी हम कह रहे हैं कि जो शिक्षा है शिक्षा सबका अधिकार है पर अगर आप देखोगे लिटरेसी अमेल्स इज नियरली सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हायर देन फीमेल्स एंड इट इज अबाउट सिक्सटीन पॉइंट वन परसेंट हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर्ड इन रूरल एरियाज ठीक है सो so, जो लिटरेसी है मेल्स में लिटरेसी अमंग मेल्स मेल्स में जो एजुकेशन uh, है मेल्स में जो एजुकेटेड लोगों की संख्या है वो सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट हायर है ज्यादा है देन फीमेल्स औरतों की कंपेयर में आदमी सिक्सटीन पॉइंट सिक्स परसेंट ज़्यादा एजुकेटेड है एंड इट इज़ अबाउट सिक्सटीन पॉइंट वन परसेंट हायर इन अर्बन एरियाज एज कंपेयर टू रूरल एरियाज सो ये तकरीबन अर्बन एरियाज में सिक्सटीन पॉइंट वन परसेंट है और रूरल एरियाज में बहुत कम ठीक है मतलब इवन अर्बन शहरों में लोग ज्यादा पढ़ाते हैं आदमियों को कंपेयर टू औरतें मतलब लड़कों को कंपेयर टू लड़कियां और गांव में बिल्कुल कम पढ़ाते हैं इन टू थाउजेंड इलेवन लिटरेसी रेट्स वेरीड फ्रॉम तो नाइन्टी फोर परसेंट केरला टू तो सिक्सटी टू परसेंट इन बिहार 2011 में जब देखा गया तो देश में सबसे ज्यादा एजुकेशन केरला में थी 94% परसेंट और बिहार में ओनली 62% परसेंट थी सो so, इतना ज्यादा वेरिएशन था देश ही देश में मतलब एक ही देश के ये दो स्टेट्स हैं इंडिया भारत देश के दो स्टेट्स केरला बिहार केरला में इतना ज्यादा लिटरेसी रेट और बिहार में इतना कम द प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपांडेड टू ओवर एट पॉइंट फाइव इन टू थाउजेंड थर्टीन फोर्टीन So, अब जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम थे जो प्राइमरी स्कूल्स थे वो भी कम थे वो अब एक्सपांड हुए हैं एट पॉइंट फाइव लैख तक सो so, प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज एक्सपांडेड टू ओवर एट पॉइंट फाइव लैख अनफॉर्चुनेटली दिस यूज एक्सपांशन ऑफ स्कूल हैज बीन डायल्यूटेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स पर भले इतने ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन इंक्रीज हुई है पर जो ये इतनी ज्यादा मात्रा में एजुकेशन इंक्रीज हुई है वो बिल्कुल पानी में गई क्यों क्योंकि स्कूलिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है जो टीचर्स नियुक्त किए जाते हैं कई बार वो उतनी क्षमता नहीं रखते कि उन बच्चों को पढ़ा पाए उनमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स और जो स्कूल ज्वाइन करते हैं गरीब बच्चे तुरंत तुरंत छोड़ भी देते हैं सो so, भले इतनी ज़्यादा प्राइमरी स्कूल्स का सेटअप हुआ है पर उस पर वो प्राइमरी स्कूल के सेटअप होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि जो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग है वो पुअर है और लोग बहुत जल्दी स्कूल्स छोड़ देते हैं ड्रॉप आउट रेट से सर्व शिक्षा अभियान इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर्स बाय ट्वेंटी ट्वेंटी सो सरकार ने एक नया प्रोग्राम चालू किया है जिसका नाम है सर्व शिक्षा अभियान इसका नाम आपने सुना भी होगा सो so, सर्व शिक्षा अभियान इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है सरकार ने कि साल से फोर्टीन साल तक की उम्र के हर बच्चे को कम्पल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब बेसिक एजुकेशन तो हर बच्चा ले ही सो इन द एज ग्रुप बाय ट्वेंटी टेन टू थाउजेंड टेन तक ये मतलब सर्व शिक्षा अभियान में सब बच्चों को एजुकेट करना है छः से चौदह साल जो बेसिक कई लोग होते हैं बेचते नहीं हैं कई लोग जल्दी निकाल देते हैं दो तीन सी दो तीन साल पढ़ा के सो so, एजुकेशन का रेट बढ़ाना है इट इज अ टाइम बाउंड इनिशिएटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, सो द लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सो ये जो सर्व शिक्षा अभियान की पॉलिसी है ये पॉलिसी uh, सरकार ने चालू की है कि भाई उन्होंने डेट फिक्स करी है कि भाई टू थाउजेंड टेन एजुकेट कर देना है सारे बच्चों को और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो मेन गवर्नमेंट है उसके अलावा उन्होंने स्टेट्स के साथ भी पार्टनरशिप की है जो स्टेट में गवर्नमेंट है लोकल गवर्नमेंट्स के साथ भी हाथ मिलाया है और लोगों के साथ भी संस्थाओं के साथ हाथ मिलाया है फॉर अचीविंग द गोल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन सो एलिमेंट्री एजुकेशन सबको हासिल हो इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने बाकी संस्थाओं से भी हाथ मिलाया है कि भाई बच्चों को ज्यादा जा, से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके सो अलोंग विद इट्स ब्रिज अलोंग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू बैक बैक टू स्कूल कैम्स हैव बीन इनिशिएटिव इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं ले पाते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन बचपन में और अब बड़े हो गए हैं अब शर्म आती है स्कूल जाते हैं क्योंकि सब बच्चे छोटे और वो बड़े तो उनके लिए कोर्सेस चालू किए गए हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी तो उनको वापस शुरुआत की पढ़ाई कराने के लिए अलॉन्ग विद इट ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स सो ये कोर्सेज चालू किए गए हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी ब्रिज कोर्सेज बैक टू स्कूल कैम्प्स टू द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन सो इनका जो एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए ये कोर्सेस तैयार किए गए हैं सो मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड टू एनकरेज अटेंडेंस एंड रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन एंड इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस सरकार ने एक और काम किया है सरकार ने मिड डे मील स्कीम चालू की है दोपहर का खाना भाई सरकार देगी अगर आप स्कूल पढ़ने आ रहे हो सरकारी स्कूलों में दोपहर का खाना बच्चे को मिलेगा इससे क्या होगा खाने की ही लालच में काफी लोग भेजेंगे क्योंकि गरीब हैं तो सोचते होंगे चलो एक टाइम का खाना तो बच्चा खाएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे एडमिशन लेंगे इसी लालच में और इससे उन जो न्यूट्रिशन का भी कुपोषण का प्रॉब्लम चल रहा है देश में वो भी सॉल्व होगा सो तीन चीजें होंगी वही बच्चे को एक टाइम का खाना मिल जाएगा दूसरा अटेंडेंस बढ़ेगी पहले भाई लोग नहीं भेजते थे बच्चों को अब भेजेंगे स्कूल भाई खाने खाने के ही लालच में और तीसरा है कि जो देश में कुपोषण की वो जो चल रही है कि भाई बच्चे कुपोषित हैं बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है खाना नहीं मिल रहा है तो न्यूट्रिशन की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सो so, और इस तरह से देश की जो पढ़ी लिखी संख्या सरकार बढ़ाने में जुटी है सो so, सरकार आप देखो इस पैराग्राफ में सारा यही लिखा हुआ है सरकार ने क्या क्या काम किए हैं हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश की सरकार ने शुरू से ऐसे नहीं अभी की गवर्नमेंट नहीं सर जो भी सरकारें आई हैं सब कोशिश करती है देश में एजुकेशन का दर बढ़ा पाए उसकी परसेंटेज बढ़ा पाए द ट्वेल्थ प्लान एंड टू रेस दीज एनरोलमेंट रेशियो जी आर इन हायर एजुकेशन इन द्रुप ऑफ एटीन टू ट्वेंटी वर्ल्ड एवरेज सो जो शिक्षा का बारवा प्लान आया है ट्वेल्थ प्लान मतलब फाइव फाइव ईयर प्लान होता है एजुकेशन हर पॉलिसी का सरकार के पांच पांच साल के प्लान होते हैं सो so, सरकार का जो ट्वेल्थ प्लान था हमारी सरकार का जो ट्वेल्थ प्लान था इंडियन गवर्नमेंट का द ट्वेल्थ प्लान इन दर्ल्ड टू द कंट्रीज ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ एटीन टू ट्वेंटी थ्री इन टू ट्वेंटी सेवन एटीन एंड टू रीच दर्टी परसेंट बाय ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो सरकार का जो बारवा प्लान है बारहवा एजुकेशन वो क्या टारगेट कर रहा है बारहवा एजुकेशन प्लान टारगेट कर रहा है कि अट्ठारह साल से तेईस साल के बच्चे जो हैं वो अभी वो मतलब ऐसे देखा जाता है भाई टेंथ तक पढ़ा के ट्वेल्थ तक पढ़ा के निकाल दिया जाता है बच्चों को स्कूल से भाई हायर एजुकेशन नहीं करने दी जाती है सो हमारी सरकार का इस पर भी ध्यान है वो कोशिश कर रही है कि भाई ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ज्यादा से ज्यादा एनरोलमेंट हो ज्यादा से ज्यादा एडमिशन्स हों अट्ठारह से तेईस साल के जो जवान हैं उनकी भी ये एडमिशन का टारगेट 2017-18 में 25.2 परसेंट रखा गया था और मतलब माना गया था कि 2021 ट्वेंटी 2021 टू ये टारगेट 30 परसेंट पहुंचे सो so, ये जो 30 परसेंट टारगेट सेट किया है हमारी सरकार ने वो दुनिया मतलब पूरे वर्ल्ड में यही चल रहा है मतलब इतनी एजुकेशन मिल रही है वहाँ के जवानों को सो so, कोशिश कर रही है हमारी भारत सरकार की बाकी देशों से हमारे बच्चों को मतलब बाकी देशों की तरह हमारे देश के बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा पढ़े द स्ट्रेटेजी फोकस ऑन इंक्रीजिंग एसेस क्वालिटी एडोप्टिंग एडोपन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो ये जो स्ट्रैटेजी है ये किस चीज पे फोकस कर रही है इंक्रीजिंग एसेस मतलब लोगों तक चीजें ज्यादा से ज्यादा पहुंचे बच्चों तक चीजें पहुंचे क्वालिटी मिले और हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग करिकुलम फॉलो हो अगर बदलाव करने की बारी है तो मॉडिफिकेशन भी हो वोकेशनलाइजेशन मतलब एक्स्ट्रा कोर्सेज एडिशनल कोर्सेज भी हो एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सो आईटी का भी यूज हो ठीक है सो so, ये सब कोशिश कर रही है हमारी भारत सरकार द प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन सो ये जो एजुकेशन प्लान है जो ट्वेल्थ प्लान है वो कोशिश कर रहा है डिस्टेंस एजुकेशन मतलब कई लोग जो हैं, मतलब गांव में रहते हैं बहुत ऐसे छोटे छोटे इलाकों में और उन्हें आगे पढ़ना होता है सो so, पर शहरों में होते हैं सारे सेंटर्स तो वो पढ़ नहीं पाते हैं तो उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम भी खाली उनके लिए नहीं बाकी लोग भी जिनको भाई घर बैठे करना है सो प्लान ऑल्सो फोकस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एंड आई टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सो प्लान फोकस कर रहा है डिस्टेंस एजुकेशन घर बैठ के पढ़ पाओ और फॉर्मल एजुकेशन को और ज्यादा बढ़ावा दें नॉन फॉर्मल एजुकेशन भले जैसे भी बस पढ़ाई प्रोवाइड करानी है बच्चों को डिस्टेंस एंड आई टी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ओवर द पास्ट फिफ्टी ईयरस देयर हैज़ बीन सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज एरिया अगर आप देखोगे हमारे देश का ग्राफ तो पिछले कुछ पचास सालों में ओवर द पास्ट फिफ्टी ईयर्स बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है हमारे देश में यूनिवर्सिटीज का इंस्टीट्यूशंस का स्पेशलाइज uh, एरियाज में मतलब अलग अलग नई नई यूनिवर्सिटीज खुली हैं जो स्पेशल कोर्सेज कराती हैं सो लेट अस रीड द टेबल टू सी द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कॉलेज एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स 1951 से टू थाउजेंड सो यहाँ आप देख सकते हो सो so, ये देखो ये ईयर है 1950, 51। और यहाँ देखो नंबर ऑफ कॉलेज सेवन फिफ्टी थे थर्टी यूनिवर्सिटीज थी इतने बच्चे थे इतने टीचर्स थे सो so, हम फिफ्टी 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 वन देखते हैं साढ़े सात सौ कॉलेजेस थे देश में थर्टी यूनिवर्सिटीज दो लाख सिक्सटी थ्री थाउजेंड ओनली ट्वेंटी फोर थाउजेंड टीचर्स अब यहाँ टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन में आ जाओ कॉलेज फोर्टी वन थाउजेंड हो गए हैं यूनिवर्सिटी सेवन फिफ्टी थ्री हो गई हैं देश के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या आप देख सकते हो बहुत ज्यादा बढ़ गई है दिस इज द स्टूडेंट्स पॉपुलेशन एंड दिस इज टीचर्स पॉपुलेशन तो आप देख सकते हो कितने टाइम्स बड़ी है ठीक है सो दिस इज अक्सेस कि भाई हाँ हमारा देश एजुकेशन के रा, रास्ते पे थोड़ा आगे है ठीक है अब नेक्स्ट है लोगों को रिसोर्स बनाने में जो नेक्स्ट चीज है वो हेल्थ ठीक है हमने पढ़ा था भाई बंदा हेल्थी होगा तो भी वो रिसोर्स है ठीक है आप एजुकेटेड हो तो आप देश के लिए रिसोर्स हो आप हेल्थी हो तो आप देश के लिए रिसोर्स हो मतलब आप में ये सारी चीजें हैं आप देश के लिए रिसोर्स हो सो हेल्थ वाइज देखें हम पेज नंबर ट्वेंटी थ्री हेल्थ फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट डू यू थिंक एनी फर्म वुड बी इंड्यूस टू एम्प्लॉय पीपल हु माइट नॉट वर्क एज हेल्थी वर्कर्स बिकॉज ऑफ इल हेल्थ देखो एक सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है आपसे जब ये टॉपिक चालू कर रहे हैं कि अगर आप किसी फर्म के मालिक हो ठीक है और आपको जने रखने हैं ठीक है ठीके? आप किसी फैक्ट्री के मालिक हो आपको जने रखने हैं सो आप कौन रखोगे आप एक हेल्दी आपके सामने दो कैंडिडेट्स आए हैं एक बहुत हेल्दी हृष्ट पुष्ट लग रहा है और दूसरा बीमार बीमार सा लग रहा है आपको काम कराना है तो ऑब्वियसली आप हेल्दी वाला ही रखोगे क्यों आप इल वाला बीमार वाला नहीं रखोगे क्योंकि आप सोचोगे कि भाई छुट्टियां भी बहुत लेगा या बीमार है तो फिर काम भी कम करेगा इफिशियंट कम होगा वर्क इफिशेंसी फिर छुट्टी तो आप एक हेल्दी पर्सन तो सीधी सीधी बात है अगर आप हेल्दी हो तो आपको काम की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अनहेल्दी हो तो नहीं मिलेंगी ठीक है so, सो इससे क्या होता है अगर हम हेल्दी होते हैं सो so देखो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्थ हिम टू रियलाइज हिज हर पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस ठीक है सो अगर कोई भी इंसान हेल्दी होता है कोई भी इंसान हेल्दी होता है तो उसको अपना पोटेंशियल पता लगता है कि उसमें कितनी काबिलियत है क्योंकि वो हेल्दी होता है वो अपना पूरा जो है अपना पूरा का पूरा एफर्ट डाल देता है ठीक है आप ठीक ठाक होते हो तो कितना करते हो किसी दिन बीमार पड़ जाते हो बुखार आ जाता है कुछ आ जाता है तो कैसे ढीले हो जाते हो तो आपकी इफिशेंसी कम हो जाती है सो तो अगर आप हेल्दी हो तो आपको पता लगेगा आपके अंदर कितना कुछ है कितना पोटेंशियल है और आप फाइट भी करते हो इननेस मतलब आपकी हेल्थ अगर अच्छी है आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते हो ही शी विल नॉट बी एबल टू मैक्सिम आउटपुट टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इन डीड हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसिबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेलबींग सो अगर आप अपना भला चाहते हो तो हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपना सीरियसली भला चाहते हो ठीक है अगर आप प्रगति करना चाहते हो तो हेल्दी होना इज रियली इम्पॉर्टेंट सो इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉप्यूलेशन सो जो हमारे uh, देश में लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव improve करना इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टेटस मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा हेल्थी हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ बीन द प्रायरिटी ऑफ द कंट्री हमारे देश का हमेशा ये प्रायर पॉइंट्स में रहा है ये हमारे देश की प्रायोरिटी में रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हेल्दी हों और नेशनल पॉलिसी टू एम्स एट इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विद स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिवलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन तो हमारी जो राष्ट्रीय पॉलिसी है जो हमारे देश ने पॉलिसी बनाई है उसमें भी हमारा जो टारगेट है क्या है ताकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज है वो एसेसिबल हो एसेसिबल मतलब लोगों तक पहुंचाएं, ऐसे नहीं जैसे कुछ भाई लोगों के पास साधन ही नहीं है तो वो साधन इन द सेंस उन भाई अगर गांव में कोई सेंटर ही नहीं है हेल्थ सेंटर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे गांव वाले दिखाने सो so, हमारी नेशनल पॉलिसी एम करती है हमारी नेशनल पॉलिसी ने ये संकल्प लिया है कि भाई वो इम्प्रूव करेगा अपनी एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर मतलब ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर सेंटर्स खोलेगा फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस विथ स्पेशल फोकस ऑन अंडर प्रिवलेज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन सो आवर नेशनल पॉलिसी एम्स एट इम्प्रूविंग एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस वो uh, भाई फैमिली का उद्धार हो न्यूट्रिशनल सर्विस मिले और वो अंडर प्रिवलेज सेक्शन जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का उस पर ध्यान देगा ओवर द लास्ट फाइव डेकेट्स इंडिया हैज बिल्ट अ वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैज ऑल्सो डेवलप्ड द मैन पावर रिक्वायर्ड एट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर सो अगर आप देखोगे पिछले कुछ पांच डिकेट्स में मतलब पिछले पचास सालों में इंडिया ने बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब नए नए प्राइमरी सेंटर्स हेल्थ सेंटर्स खोले हैं सो so ये जो पिछले पचास सालों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है हमारी सरकार ने सो so इससे क्या हुआ है हम मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग स्वस्थ हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर पाएंगे तो इससे क्या हुआ है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में मैन पावर बढ़ा है मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं अब एज वेल एज इन द प्राइवेट सेक्टर मतलब आप स्वस्थ हो तो आप काम कर पाओगे सीधी सीधी बात है स्वस्थ नहीं होगे तो काम नहीं कर पाओगे सो so, सरकार अगर ध्यान दे रही है तो उससे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है और लोग स्वस्थ हैं तो ज्यादा से ज्यादा नौकरियां कर पा रहे हैं These measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2000. Infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 37 in 2015. Crude birth rates crude birth rate have dropped to 20.8 and that rates to 6.5 within the same duration of time. अच्छा अब ये सारा जो सरकार ने आ, फैसले करे हैं इससे क्या हुआ है सो so, इससे हमारी जो लाइफ है वो बढ़ गई है इंडियंस की लाइफ जो कि हैव इंक्रीज द लाइफ टू ओवर सिक्सटी एट पॉइंट थ्री परसेंट सिक्सटी एट पॉइंट थ्री ईयर्स इन टू थाउजेंड फिफ्टीन तो आज एक नॉर्मल ह्यूमन बींग एक नॉर्मल इंसान हेल्दी इंसान एटलीस्ट सिक्सटी नाइन सिक्सटी नाइन ईयर्स तो जिएगा मतलब जैसा हमारी हेल्थ पॉलिसी है मतलब टाइम से पहले वो नहीं मरेगा एटलीस्ट सिक्सटी नाइन ईयर्स तो वो जिएगा फिर इन्फेंट मोर्टलिटी रेट जो बच्चे जन्म लेते ही जिनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि उनको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं होती थी सो so, पहले वो संख्या 1951 में 147 बच्चे मर जाते थे मतलब अगर आप देखो तो सो so, ये अब 2015 में सिर्फ 37 हो गया ठीक है ये भी अच्छा नहीं है ऐसे तो किसी कोई बच्चा नहीं मरना चाहिए बट इससे जो हमारा इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो कम हो गया अब कम बच्चों की डेथ हो रही है क्योंकि हमने हेल्थ सर्विसेज बढ़ा दी हैं पहले तो क्या करते थे घर में ही डिलीवरी करा देते थे वो आती थी आ, वो जो आती हैं लेडीज आके डिलीवरी करा के जाती थी गांव में फिर मतलब कुछ बच्चा प्रॉब्लम के साथ पैदा हो तो उनको पता नहीं लगता था वो बच्चों को ट्रीटमेंट नहीं दे पाती थी पर क्योंकि अब डिलीवरियां सरकारों में मतलब अस्पतालों में होने लगी हैं तो वहां जो है वहां पीडियाट्रिशियन भी अवेलेबल होता है जो बच्चों का डॉक्टर होता है डिलीवरी के टाइम सो सपोज कोई प्रॉब्लम आए तो तुरंत वो हैंडल कर लेता है ठीक so, है सो क्रूड बर्थ रेट्स है क्रूड बर्थ रेट्स मतलब टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती थी सो so, वो भी ट्वेंटी पॉइंट एट हो गया है कम हो गया है क्योंकि आई हैव ड्रॉप टू ट्वेंटी पॉइंट एट क्योंकि अब वही थोड़ा लोगों को सब पता रहता है सोनोग्राफी होती है सब कुछ होता है सो so, ये प्रॉब्लम नहीं होती एंड डेथ रेट्स टू सिक्स पॉइंट फाइव विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम सो इवन हमारे जो बर्थ रेट भी ड्रॉप हुए हैं और डेथ रेट भी ड्रॉप हुए हैं फ्रूट बर्थ रेट और डेथ रेट भी ड्रॉप हुए हैं इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन एसेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री सो इसी से ही हमारे देश का प्रोग्रेस होगा इम्प्रूवमेंट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब इन अगर लोग ज्यादा जियेंगे और इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर जो चाइल्ड केयर फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हुई हैं सो so, इससे जो देश का फ्यूचर प्रोग्रेस है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है इंक्रीज इन लॉन्गे लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस सो जो लाइफ है जो आपकी जो जिंदगी है वो जितनी लंबी होगी वो है इंडिकेटर आपकी अच्छी क्वालिटी इज इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय सेल्फ कॉन्फिडेंस देखो आपकी अगर क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी अच्छी होगी मतलब आप हेल्दी हो तो इससे आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा एंड आप थोड़ा लंबा भी जियोगे ठीक है मतलब आप अच्छे से जी रहे हो मतलब अच्छे से जी रहे हो मतलब पूरा पोषण वाला खाना खा रहे हो अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे हो आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर इसको कुछ भी आपको बीमारी नहीं है तो मतलब आपकी क्वालिटी अच्छी है लाइफ की और क्वालिटी अच्छी होगी तो आप चार लोगों से खुद को बेहतर समझोगे अच्छा समझोगे आपको क्या होगा आप की आपकी क्वालिटी लाइफ की अच्छी होगी आप में ऑटोमेटिकली सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा मतलब आप देखोगे कि मैं हेल्दी हूँ तो ये हेल्थ हेल्थी होना आप में एक जो है आपके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव उत्साह बढ़ाएगा एंड आप जो है लंबा जियोगे फिर ठीक है ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा रिडक्शन इन इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन्वॉल्व द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन सो जो इन्फेंट uh, मॉर्टेलिटी में रिडक्शन आया है मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी मतलब जो जन्म लेते ही बच्चे गुजर जाते थे उनके uh, उसमें गिरावट आई है So, इससे क्या हुआ है बच्चे जो हैं किसी भी तरह से इंफेक्शन से बच रहे हैं क्यों क्योंकि उनको अभी जब जन्म होता है पीडियाट्रिशियन सामने होता है इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ मदर एंड द चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर सो भाई न्यूट्रिशन भी मिले माँ को बच्चे को और इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड चाइल्ड एंड चाइल्ड केयर और बच्चे का स्वस्थ भी देखा जाए ठीक है सो so, ये सारी चीजें हुई हैं। सो so, बच्चों इसी पेज पे पेज ट्वेंटी थ्री पे ही नीचे समझाया गया है सबकी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या है इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है एक बच्चे की डेथ होना बिलो वन ईयर ऑफ एज सो उसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कहते हैं एक साल से जल्दी पहले कोई बच्चा गुजर जाता है उसे कहते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बर्थ रेट क्या है सो बर्थ रेट है अ नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न ठीक है एक हजार लोगों के सामने जब बेबीज पैदा होते हैं बर्थ रेट डेथ रेट है नंबर ऑफ पीपल पर वन थाउजेंड ऊ डाय सो डेथ रेट है एक हजार के सामने जो डेथ होती है सो दिस इज द डेफिनेशन फॉर द थ्री टर्म्स सो नेक्स्ट पेज ट्वेंटी फोर पे आ जाते हैं पेज ट्वेंटी फोर पे सो यहाँ पेज ट्वेंटी फोर पे आपको दिखेगा आ, ये है हॉस्पिटल्स ठीक है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्या तरक्की की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में एससी पीएचसी सीएचसी बने हैं हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी हॉस्पिटल्स बेड्स गवर्नमेंट्स रजिस्टर्ड एलोपैथी डॉक्टर पर ईयर नर्सिंग पर्सनल एएनएम आरएन आरएम एलएचवी अच्छा अब ये सब क्या है इन सब का फुल फॉर्म या नीचे दिया गया है एस सी मतलब सब सेंटर पी एच सी मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर सी एच सी मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ए एन एम ए एन एम मतलब ऑक्सिलरी नर्स हाइड्रेट्स सो so, ऑक्सिलरी नर्स हाइड्रेट्स आर एन एंड आर एम सो आर एन एंड आर एम रजिस्टर्ड नर्सेस रजिस्टर्ड मिडवाइफ एल एच वी लेडी हेल्थ विजिटर्स सो so, अभी इनकी संख्या है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2013-14-15 ये संख्या 2013-2014-2015 में नोट की गई है ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ये आंकड़े निकाले थे सो so, यहाँ पे आप 2013 में ये जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ऑक्सिलरी नर्स हाइब्रिड्स हाइड्राइड्स ऑक्सिलरी नर्स हाइड्राइट्स सो ये जो इनकी ये सारे क्या है सो so, इनकी संख्या कितनी थी 2013 में थी वन लाख एटी वन थाउजेंड टू थाउजेंड फोर्टीन में वन लाख एटी टू टू थाउजेंड फिफ्टीन में वन लाख एटी फोर सो बड़ी ही है इनकी पॉपुलेशन मतलब ये हॉस्पिटल्स बड़े ही हैं नहीं कहते है, आंगनबाड़िया टाइप होता है वैसे इवन शहरों में भी खुले हैं ऐसे डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स सो टू थाउजेंड थर्टीन में ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू सेवेंटी फोर टू 957, तो इनकी भी संख्या बढ़ी है हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड्स पहले टू थाउजेंड थर्टीन में सिक्स लाख ट्वेंटी एट थे फिर सिक्स लाख सेवेंटी फाइव थाउजेंड सेवन लैख फिफ्टी फोर सो बेड्स की भी संख्या बढ़ी है इसके बाद एलोपैथी डॉक्टर एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं उनकी संख्या uh, जो रजिस्टर्ड दो हजार पंद्रह रजिस्टर्ड टू थाउजेंड फिफ्टीन रजिस्टर्ड पर ईयर सो रजिस्टर किए थे डॉक्टर थर्टी सेवन थाउजेंड एटी फाइव टू थाउजेंड थर्टीन में रजिस्टर हुए थे ट्वेंटी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एलेवन टू थाउजेंड फोर्टीन में रजिस्टर हुए थे और टेन थाउजेंड थ्री हंड्रेड थर्टीन तो ये खैर घटी है संख्या पर आ, ये मतलब रजिस्टर डॉक्टर्स की नर्सिंग पर्सनल नर्सिंग स्टाफ भी बड़ा है जो नर्सिंग स्टाफ है वो बड़ा है ये देखो ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स नर्सिंग स्टाफ बड़ा है रजिस्टर्ड डॉक्टरों की जो पॉपुलेशन है वो कम है सो देयर हैव बीन प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन दीज बेसिक फैसिलिटीज सो ये जो हमने ये जो ये सारी चीजें हैं, ये बेसिक फैसिलिटीज में आती हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ये सारी बेसिक फैसिलिटीज हैं। इतना मतलब एक इंसान को हक है उसके एरिया में ये चीजें होनी चाहिए सो so, uh, पर ऐसे अभी भी हमारे भारत में इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो विच डू नॉट हैव इवन दीज फैसिलिटीज ये फैसिलिटीज अभी भी नहीं है ओनली 381 एटी वन मेडिकल कॉलेज हैं इन द कंट्री थ्री जीरो वन डेंटल कॉलेज हैं हमारे देश में अभी भी मेडिकल कॉलेज सिर्फ थ्री हंड्रेड एट्टी वन है डेंटल कॉलेज दांत के कॉलेज थ्री जीरो वन है जस्ट फोर स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस सबसे ज्यादा कॉलेजेस है आंध्र प्रदेश कर्नाटक महाराष्ट्र तमिलनाडु सो so, अभी भी देश का यही हाल है मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस कम है सो एट दिस टॉपिक आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर सो जस्ट रिक्वेस्टिंग यू टू राइट ईच एंड एवरी थिंग प्रॉपरली एक, एक पॉइंट ध्यान से लिखें आई एम रिक्वेस्टिंग यू आई एम हार्टली रिक्वेस्टिंग यू प्लीज राइट ईच एंड एवरी पॉइंट प्रॉपरली डोंट स्कीफ अंगल पॉइंट वी स्टार्टेड फ्रॉम पेज ट्वेंटी ऑफ योर एनसीआरटी टेक्सट बुक एजुकेशन से चालू करा था हमने सो so, एजुकेशन के लिए सरकार ने क्या किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन आता है कि सरकार ने क्या किया सो so, इसमें आपने पढ़ा कि भाई नवोदय बनाया और जो एलिमेंट्री एजुकेशन है फिर पीछे और भी लिखा था सरकार ने पेज ट्वेंटी टू पे सर्व शिक्षा अभियान वगैरह ये सब चलाया सरकार ने ठीक है फिर ट्वेल्थ प्लान की भी बात की गई कि किस पे फोकस किया है इसके बाद हमने हेल्थ डिस्कस की हेल्थ में सरकार ने क्या किया है सो पहले तो यहाँ आंकड़े ही लिखे हुए हैं सारे सो हेल्थ के लिए सरकार ने क्या टारगेट सेट किए हैं ये सब है और फिर हेल्थ के लिए सर और यहाँ पे आंकड़े दिए हुए हैं कि, कि किस चीज के क्या आंकड़े हैं इसके बाद हमारे देश में कितने कॉलेजेस हैं और कितने डेंटल कॉलेजेस हैं वो हैं ठीक है सो विद दिस आई एम एंडिंग माई टूडेज लेक्चर दिस इज मी और ईशिका मैम रिक्वेस्टिंग यू नॉट टू स्किप अ सिंगल पॉइंट राइट ईच एंड एवरी वर्ड प्रॉपरली फ्रॉम योर एनसीआर टेक्स्ट बुक रीड दिस थ्री पेजेस विच आई एंड व्हाट्सअप मी द एंटायर थिंग थैंक यू वी विल प्रोसीड दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर